इस चैप्टर में हम कंपैरिजन स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करेंगे और आप ये देख रही हैं मैंने इसकी हेडिंग लगाई हुई है इफ देन एल्स की, और इसमें हम कुछ वेरिएबल्स पे वैल्यू सेट करके फिर उसको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या सिंटैक्स है इफ देन एल्स का। ये बात आप जहन में रखेंगे जो आपके सॉफ्टवेयर में, जो आपके प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स होते हैं, चाहे सिंपल वेरिएबल्स हों चाहे एरे वेरिएबल्स हों, उनमें जो डेटा स्टोर होता है वो हमने प्रोग्राम में फिक्स नहीं किया होता। जैसे अभी ये तो हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया था अपने प्रोग्राम में, वो डेटा या तो यूज़र एंटर करता है किसी फॉर्म पे और वो आपके प्रोग्राम में आ जाता है, या फिर आप उसको डेटाबेस से फेच कर लेते हैं और फिर आप उस डेटा की जो जो भी सिचुएशन है, जो भी मार्क्स हैं या जो कुछ और जो भी क्राइटेरिया, उसकी बेस पर आप डिसीजंस लेते हैं। और डिसीजंस लेने के लिए जो आप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो ये इफ़ की स्टेटमेंट होती है। अभी हम पहले सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल वाली यूज करते हैं। इधर हम लिख देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। आपने बस इसका सिंटैक्स गौर से देखना है कि इफ शुरू किया हमने और ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लगाई और फिर ये कर्ली ब्रैकेट है और ये इसको कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज भी कर रहे हैं और दरमियान में हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन हम इधर एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको अब हम रन कर देते हैं इधर से, और ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। एल्स भी लगा देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं, तो ये हमने बड़ा पोलाइटली उस स्टूडेंट को बता दिया है कि तुम फेल हो गए हो और तुम्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसको अब हम इधर रन करते हैं और अभी तो चूंकि 40 है तो इसलिए वही आएगा रिज़ल्ट। अब इसको हम 30 कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। हम इधर आ जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये इसने बता दिया यू नीड टू वर्क हार्ड। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये कंडीशन चूंकि ट्रू नहीं थी, स्टडी मार्क्स ग्रेटर इक्वल देन 40 नहीं थे, 30 थे, तो ये वाला पार्ट रन हो गया। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करते हैं और वो ये करते हैं कि हम इधर तो कंपैरिजन कर देते हैं 40 का और नीचे हम इधर एक और स्टेटमेंट लगा देते हैं। और इधर जो है ये ऐसे आ गया। तो अब अगर किसी के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो उसको ब्रिलियंट स्टूडेंट कह दिया जाएगा और अगर 40 हैं तो वो सक्सेसफुल ये मैसेज आ जाएगा, और अगर अदरवाइज अगर 40 से ज़्यादा नहीं है और 40 भी नहीं है तो इसका मतलब है 40 से थोड़े हैं, तो उस केस में ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एल्स इफ तो भी उसका यही रिजल्ट आना था, 39 कर देते हैं। और अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये ऐसे आ गया। आप अपने प्रैक्टिस के लिए ये वाला स्क्रिप्ट लिखें और इसमें मार्क्स को चेंज करके और कंडीशंस को चेंज करके देख लें, और इधर आप ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर इक्वल का भी लगा सकते हैं और लेस देन इक्वल का भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप स्ट्रिंग या टेक्स्ट को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कुछ भी लगा देते हैं, और इधर हम लगा देते हैं इफ डॉलर स्टूडेंट नेम इज यू आर इन क्लास 9, इसका नाम भी डिस्प्ले करा देते हैं, नेम
यू आर इन क्लास 9 और इसको हमने इफ को क्लोज भी कर दिया। रन करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। डियर साजिद यू आर इन क्लास 9। तो इसी तरीके से हम एल्स इफ लगा देते हैं, डॉलर स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू खालिद, तो ये हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख लीं, मल्टीपल एल्स इफ लगा दिए, और बल्कि इसमें हम एक और भी लगा देते हैं, एल्स भी लगा देते हैं। और इधर ये हमारी स्टेटमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब हम इस जगह पे अगर नाम चेंज करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा डेटा चेंज हुआ है, और इसको हम सेव कर देते हैं, और इसको खालिद जो है वो क्लास 10 में है, वो मैसेज आ गया चूँकि वो ये कंपैरिजन हो गया था। और अब हम इधर कुछ भी और लिख देते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और फिर हम रन करते हैं। तो उसने कह दिया डियर अरमगान आई एम नॉट श्योर ऑफ योर क्लास। तो उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने इधर कहीं भी कंपैरिजन में उसको नहीं डाला हुआ था। आप जब एक से ज़्यादा इफ और एल्स लगाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ब्रैकेट कौन सी शुरू करनी है, कौन सी एंड करनी है, और किधर करनी है। बेसिकली जितनी भी इफ और एल्स इफ के दरमियान स्टेटमेंट हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान होगी। ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसी तरह दूसरी के दरमियान भी है, दूसरी की भी ऐसे ही होगी, और आखिर वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा। ज़्यादातर जो आपको एरर आएगा स्क्रिप्ट रन करते हुए, उसकी वजह यही होगी कि आपने ब्रैकेट सही जगह पर नहीं लगाई होगी, या आपने एक्स्ट्रा लगा दी होगी।